क्या तुमने कभी सोचा ये जो हद पार अमीर लोग होते हैं मिलियनेयर्स, ये लोग एक्चुअली करते क्या है? अमीर आदमी 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, आधे घंटे में अपना घर बदलता है, एक घंटे में अपना धंधा बदलता है और दो घंटे में अपनी बीवी बदलता है। Honestly, they do nothing. पर शायद पैसा कमाने का यही राज है, doing nothing. सुनो, मेरे हाथों ने एक अमीरों की स्कीम लगी है जिसको यूज करके मैंने एक हफ्ते में लगभग 30,000 रुपए कमाए। कैसे? कुछ नहीं करके, एक्चुअली कुछ नहीं करके। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बाय आस्किंग सम ऑफ माय रिच फ्रेंड्स कि उन्होंने पैसे कैसे कमाए। अरे अरे सर, इतनी अच्छी गाड़ी आप करते क्या हो? बन गया हूं, टाइम में मिली थी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, अगली वीडियो कब आ रही है? अरे सर, यश यश सर 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 सर, इतनी अच्छी गाड़ी आप क्या करते हो? मैंने दोस्त को पैसे उधार दिए थे और उसने दिए नहीं तो उसकी गाड़ी रख ली। सर हरियाणा से हो गया? हाँ। गुड जॉब सर। सर इतनी अच्छी गाड़ी आप करते क्या हो? मेरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, सच्ची में? बड़े एक हफ्ते में एक अमीर बंदी पटाना, शहर का डॉन बनना या फिर एक यूट्यूब चैनल खोलना भी नहीं हो पाता। I needed to find something else. तो मैं क्या YouTube पर सर्च किया how to earn money by doing nothing और इस टॉपिक पे लगभग सारी वीडियोस देखने के बाद और स्कैम से बचने के बाद I think हमें हमारा तरीका मिल चुका है। हाँ सर, वीडियो एडिट करवानी है सर। 3,000? ठीक है सर, डन। भाई वीडियो एडिट करनी है, 1,000 रुपये। चलो डन। सो बेसिकली दलाली भाई, मतलब मिडिलमैन बन रहा हूँ, दो लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ, ड्रॉप सर्विसिंग कहते हैं सर। दलाली दलाली। तो अब इस पॉइंट पे मुझे दो टाइप के लोग चाहिए थे, एक जो काम करते हैं जैसे फ्रीलांसर्स, दूसरे वो लोग जो काम करवाना चाहते हैं क्लाइंट्स। और मुझे दोनों नहीं ढूंढने थे तो मैं इन दोनों काम को किसी और को देने वाला हूँ। थैंकफुली आई नो समवन, है ना। ओके गाइस, आज संडे 26 मार्च 2023। नेक्स्ट मंडे तक हमारा प्लान रहेगा टू स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन यूजिंग ड्रॉप सर्विसिंग। इन केस यू डोंट नो, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और ये काम मैं काफी सालों तक कर चुका हूं। अब क्योंकि मैं कोल्ड ईमेल स्ट्रेटजी में थोड़ी सी एक्सपर्टीज रखता हूं, काफी बार कर चुका हूं, सक्सेस पा चुका हूं, इस वजह से मैं इस वीडियो के लिए उसी स्ट्रेटजी को यूज करने वाला हूं। अब जहां एक तरफ अखिल पोटेंशियल क्लाइंट्स की ईमेल निकालने में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ मैंने सोचा थोड़ा चिल मार के आते हैं। अब क्योंकि मुझे कोई काम नहीं करना था, मैं तो नजारे देख रहा था, बट अखिल अभी भी काम कर रहे थे। यहां मैं इस सुंदर होटल के मजे ले रहा था और वहां अखिल कोशिश कर रहा था कि हमें बाहर के क्लाइंट्स मिले ताकि हम डॉलर्स में चार्ज कर पाए और ज्यादा पैसे बना पाए। तो गाइस आज 30 अप्रैल एंड मैं ट्रिप से वापस आ चुका हूं एंड एक हफ्ता हो गया अखिल को मेल्स भेजे स्टार्ट किए हुए। तो अखिल ने भेजे रफली 266 मेल्स जिनमें से 119 थे वीडियो एडिटिंग के लिए और 157 थे राइटिंग के लिए और इसमें से हमें टोटल मिले 5 क्लाइंट। अब इन 5 क्लाइंट से मैंने कितने पैसे बनाए वो तो आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा, बट फिलहाल ये सारा काम करते हैं या रादर करवाते हैं क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला। अब देखो, मेरे पास वीडियो एडिटर्स तो बहुत सारे हैं बट कंटेंट राइटर्स नहीं है, तो मैंने एक स्टोरी डाली फॉर अ लिस्ट ऑफ कंटेंट राइटर्स, बट इन वीडियो एडिटर्स और कंटेंट राइटर्स से मैं बात नहीं करने वाला। तो आई पेड माय कैमरामैन टू एक्चुअली टॉक टू देम, गेट द वर्क डन एंड अब भाई तू संभाल, एक हफ्ते में बात करते हैं। Done. Let's see you in a week. अब जब तक ये सारा काम हो रहा है, लेट मी शेयर अ फ्यू थिंग्स विद यू। आप में से काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे ये चीज खुद ट्राई करने के लिए, तो अगर आपको चाहिए वो ईमेल जो हमने यूज किया, जो रादर अखिल ने यूज किया फॉर द कंटेंट राइटर्स, वो ये रहा। और ऐसे ही सिमिलर ईमेल जो हमने वीडियो एडिटर्स के लिए यूज किया वो ये रहा। मैं ये नहीं बोलूंगा इसको कॉपी करके यूज करो, बट यू कैन यूज समथिंग सिमिलर। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों की ईमेल्स कहाँ से निकाले, आप लिंक्डइन से ले सकते हो, आप लोगों के यूट्यूब के अबाउट सेक्शन से ले सकते हो, आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो। बट अगर आप बेस्ट तरीका ढूंढना चाहते हो टू फाइंड पीपल्स ईमेल्स, अखिल ने इसमें भी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप किसी का भी ईमेल कैसे निकाल सकते हो। लास्टली मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आउट ऑफ ऑल द ईमेल्स वी सेंट, हमारी प्रायोरिटी थी बाहर के लोग ढूंढना ताकि हम थोड़ा ज्यादा चार्ज कर पाए और यहाँ पे कन्वर्जन में प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हम टारगेट कर रहे थे
इंडियन भी थे बट मेजॉरिटी बाहर के थे। अब चलो एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। तो गाइस आज है 10th मार्च 2023 एंड फाइनली ऑलमोस्ट एक महीना होने को आ रहा है, ये वीडियो अब जाके एंड पे आ रही है। दिस टुक वे लॉन्गर देन इट शुड हैव। बस कुछ ही देर पहले हमें हमारा लास्ट मेल आया है जो काम रहता था, तो फाइनली सारे पैसे आ चुके हैं, सारा काम हो चुका है एंड फाइनली आई कैन टेल यू हमने कुछ नहीं करके कितने पैसे कमाए। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था, हमें टोटल 5 क्लाइंट्स मिले जिसमें से 3 लोग थे कंटेंट राइटिंग के लिए, बेसिकली ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, और 2 लोग थे फॉर वीडियो एडिटिंग। तो अगर हम राइटिंग वाले काम की बात करें तो उससे हमने कमाया $15, $25 एंड $20 रिस्पेक्टिवली, जो बनता है अबाउट $60 या फिर इंडियन करेंसी में लगभग 4,900 रुपये। अब अगर मैं वीडियो एडिटिंग वाले काम के बारे में बात करूं तो द फर्स्ट क्लाइंट वांटेड अस टू एडिट अ 15 मिनट की वीडियो और उसके लिए भी चार्ज $150, और जो दूसरा क्लाइंट था उसको चाहिए थी हमसे शॉर्ट्स। पूरा निगोशिएट करके हमने पहले $40 पर शॉर्ट बोला था बट फाइनल कर करा के वी गॉट अ डील ऑफ 5 शॉर्ट्स फॉर $120। तो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट बिना कुछ किए कमाए $330, जो अगर आज के हिसाब से आप कन्वर्ट करो इज रफली 27,000 रुपीज। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है क्योंकि हमें थोड़े पैसे काटने पड़ेंगे। अब क्योंकि हमारे सारे क्लाइंट्स यूएस के थे, हमने सारी पेमेंट्स पेपैल में ली थी और पेपैल अपना फीस चार्ज करता है जो इस केस में लगभग 1,100 था, जिसके कटने के बाद राउंड ऑफ करें तो हमारे पास बचे 26,000। अब क्योंकि ये वीडियो अखिल के बिना बन ही नहीं पाती और उनका टाइम, उनकी स्किल्स, उनकी एक्सपर्टीज लगी और मैंने कुछ नहीं किया, हमारे बीच में पहले डिसाइडेड था कि जितने भी पैसे बनेंगे उसमें से 40% विल बी हिज शेयर। तो 26,000 का 40% इज 10,400, विच लीव्स अस विद, कैलकुलेट करने दो, 15,600। अब चलो काटते हैं वो पैसे जो मैंने फ्रीलांसर्स को पे किया। ये याद रखना, इस काम के लिए मैंने एक ही वीडियो एडिटर और एक ही कंटेंट राइटर को हायर किया था सारा काम करने के लिए, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं था। अब मैंने अपने कंटेंट राइटर्स को पे किया 500 पर आर्टिकल, विच इज़ 1,500 रुपीज़, जिससे अब हमारा टोटल आता है टू 14,100 रुपीज़। काफ़ी जल्दी पैसे कम हो रहे हैं। अब जहाँ तक बात जाती है वीडियो एडिटर की, उसको मैंने लंबी वाली वीडियो के लिए पे किया 1,500 रुपीज़ एंड जो 5 शॉर्ट्स थी उनके लिए भी आई पेड 1,500 रुपीज़ एट 300 पर शॉर्ट। सो टोटल हुआ 3,000 रुपीज़ जो मैंने वीडियो एडिटर को दिया, जिससे हमारा टोटल आता है टू 11,100 रुपीज़। और ये है वो अमाउंट जो मैंने कमाया, जो मेरा प्रॉफिट है विदाउट डूइंग एनीथिंग। पर रुको, क्योंकि मैंने खुद कुछ काम नहीं किया था, मैंने अपने कैमरामैन को प्रॉमिस किया था कि आई विल पे हिम टू कोऑर्डिनेट विद द एडिटर तो सारा काम करवाने के लिए, तो आई पेड हिम 2,000, जिससे अब हमारा टोटल प्रॉफिट कम्स टू 9,100। अब जहाँ एक तरफ पैसे कमाने का ये तरीका बहुत फन और यूनिक तो लग रहा है इस वीडियो में, बट एक्चुअली दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स अर्न देयर मनी। लोगों से सस्ते में काम कराते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और खुद सारा प्रॉफिट रखते हैं। मैं ये नहीं करना चाहता। मैंने अपने फ्रीलांसर्स को रफली 4,500 पे किया था, आई एम गोइंग टू डबल देयर अर्निंग ताकि उनके लिए भी फेयर रहे, तो आई पेड देम डबल और मेरे पास अब बचा है 4,600। अब देखो, कंसिडरिंग कि मैंने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं किया, 4,600 इज ऑल्सो बेसिकली फ्री मनी और एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है। बट अगर आप ये करना चाहते हो आप भी कर सकते हो, बस मार्जिन्स कम रखो, थोड़ा काम खुद कर लो, क्योंकि अगर नथिंग करोगे तो नथिंग कमाओगे।